सो गाइस फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S22 की जो लीक्स है डिजाइन को लेके वो अभी कंफर्म हो चुकी है और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसा आपके स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। करेंगे बात आज इसी डिवाइस के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकें। अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra की तो उसका डिजाइन आपको बैक साइड में एस टाइप कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता था तो जो कि आपको काफी अच्छा और एक यूनिक फीचर या फिर आप कह सकते हैं यूनिक डिजाइन आपको उसमें देखने को मिल जाता था जो कि फोन को थोड़ी सी एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करता था। लेकिन इस बार जो सैमसंग गैलेक्सी S22 का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है वो इस बार आपको काफी अच्छा और एक यूनिक डिवाइस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बैक साइड में आपको 11 शेप टाइप जो है वो आपका कैमरा इस बार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A72 में देखने को मिल सकते थे। बैक साइड में आपको 11 शेप कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता था लेकिन इसमें आपको 11 शेप कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा यूनिक डिजाइन में या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक यूनिक टाइप में आपको इसमें देखने को मिल सकता है जो कि सैमसंग की तरफ से इस बार एक नया डिजाइन होगा। तो मेरे हिसाब से ये डिजाइन आपको काफी अच्छा और एक यूनिक डिवाइस प्रोवाइड करा सकता है। और इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी S22 का जो आपको इन हैंड फील्ड अभी देखने को मिलेगी वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर और थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले की जो विड्थ है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज की गई है इस बारी सैमसंग गैलेक्सी S22 में जो कि आपको थोड़ा सा एक बिगर स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड होगा इन हैंड फील्ड में। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक और लीक्स को देखें तो वहाँ पर हमें एक और डिसअपॉइंटेड चीज़ मुझे एक लीक्स की ये लगी कि इसमें अभी आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस सैमसंग गैलेक्सी S22 में आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं देखने मिलता है, आप इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगाकर, तो आपको उसका एक अपर वेरिएंट बाय करना पड़ेगा जिसमें कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 में देखने को नहीं मिलेगी जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटेड चीज़ लगी क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप चाहते हैं अपनी स्मार्टफोन की जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज करना तो आप मेमोरी कार्ड लगाकर उसको इंक्रीज कर सकते थे लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S22 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें आपको जो उसका बेस वेरिएंट है 128GB का या फिर आपको वो परचेस करना पड़ेगा या फिर आपको उसके अपर वेरिएंट परचेस कर सकते हैं 256GB या फिर आपको 512GB वाला वेरिएंट बाय करना पड़ेगा लेकिन आप उसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर में इसका जो डिज़ाइन है वो एक बिल्कुल यूनिक होगा सैमसंग गैलेक्सी S22 का, तो देखेंगे इसकी और लीक्स क्या आती हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर डालूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि वो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो चली प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय।